नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोगों को इसे चैनल पे स्वागत है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के द्वारा हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी डॉटर फैमिली पेंशंस और क्लाइमेंट सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह किया जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म फिलअप किस तरह किया जाता है, यानी आर्मी डॉटर फैमिली पेंशन का फॉर्म फिलअप किस तरह किया जाता है, यह सब मैं आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। ओके, उसके बाद आप सब लोगों को पता होगा कि फैमिली पेंशन के बारे में बात करें तो पहले पे सिलेक्शन किया जाता है स्पाउस या वाइफ का नाम सिलेक्शन किया जाता है। ओके, इसके बाद चिल्ड्रन से नाम सिलेक्शन कर सकते हो आप लोग चाहो तो। किन किन को आप नेम सिलेक्शन करना पड़ता है, किन को नाम सिलेक्शन कर सकते हो आप, जैसे कि आर्मी डॉटर या सोन या पेरेंट या साबलिंग से भी आप नेम सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दो डायग्राम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दो डायग्राम से मैं आप लोगों को लॉजिक समझाऊंगा किस तरह आप सिलेक्शन कर सकते हो, किस तरह आप अनमेरिड डॉटर का नेम सिलेक्शन फैमिली पेंशन पे सिलेक्शन कर सकते हो, यह सब मैं आप लोगों को दिखाऊँ। क्लाइमेट सिलेक्शन लॉजिक मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो पहला नंबर पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्पाउस का नाम है। ओके, इसके बाद अगर आप चिल्ड्रन से, अगर गवर्नमेंट डिजीज कंप्लेन एम्प्लॉय का चिल्ड्रन से अगर आप नया फैमिली पेंशन का नाम रखना चाहते हो तो जैसे कि एल्डेस्ट सोन का नाम रख सकते हो लेकिन नॉट लेस देन 18 ईयर्स, एल्डेस्ट अनमेरिड डॉटर का नाम रख सकते हो लेकिन नॉट लेस देन 21 ईयर्स। ओके, एल्डेस्ट डिसेबल्ड सोन का नाम रख सकते हो, एज कोई भी मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद एल्डेस्ट डिसेबल्ड डॉटर उनका भी नाम रख सकते हो, एज कोई भी बार नहीं दिया गया है। अनमेरिड डिपेंडेंट डॉटर का भी नाम रख सकते हो। ओके, अगर चिल्ड्रन से अगर नाम रख सकते हो तो इस पास में से किसी एक का नाम आप रख सकते हो। ओके, अगर स्पाउस नहीं है तो। ओके, अगर स्पाउस है तो उनसे मैं सजेस्ट करूँगा उनसे एनओसी लेना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, उसके बाद डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेरेंट्स से ही आप नेम सिलेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर फादर एंड मदर का नेम सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, इसके बाद सबलिंग से भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सबलिंग है, सबलिंग से भी आप नेम सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे कि ब्रदर नॉट लेस देन 18 ईयर्स, उसके बाद अनमेरिड डिपेंडेंट सिस्टर की भी नाम आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूं, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप किस तरह किया जाता है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो यहां पे देखिए बेनिफिशियरी सिलेक्शन फॉर डीसीआरजी इन केस वैलिड नॉमिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो रिलेशन के बारे में फैमिली पेंशन की बात करें तो यहां पे सबसे पहले नाम आता है, इन तीनों का नाम आ रहा है रिलेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहला नंबर पे होगा स्पाउस, उसके बाद नंबर, उसके बाद सोन, उसके बाद अनमेरिड डॉटर रहेगा। ओके, अगर स्पाउस नहीं है, सोन्स नहीं है तो अनमेरिड डॉटर का नेम सिलेक्शन कर सकते हो। अगर ये दोनों है एंड अनमेरिड डॉटर का नेम सिलेक्शन करना चाहते हो तो इन दोनों से मैं सजेस्ट करूँगा इन दोनों से आप एनओसी ले लीजिएगा, बेहतर होगा मुझे लगता है। ओके, इसके बाद अगर इन जो रिलेशन मैंने लिस्ट दिखाया है यहाँ पे तीन नाम मेंशन किया है, इन तीनों से कोई भी नहीं है तो आप नेक्स्ट सिलेक्शन नंबर टू पे आप जा सकते हो, जैसे कि डॉटर वाइदो होना पड़ेगा या फादर मदर या फिर ब्रदर माइनर, उसके बाद सिस्टर अनमेरिड सिस्टर वाइदो आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे नंबर सिलेक्शन नंबर वन पे अगर नहीं है तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप किस तरह किया जाता है फैमिली पेंशन के, अनमेरिड डॉटर का सिलेक्शन किस तरह किया जाता है, तो किस तरह फॉर्म फिलअप किया जाता है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं कृतज्ञता पोर्टल पर ले चलता हूँ, वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फैमिली पेंशन का फॉर्म फिलअप किस तरह किया जाता है। चलिए, तो व्यूअर्स कृतज्ञता पोर्टल ओपन होने के बाद आप इन सर्विस डेट यानी फैमिली पेंशन आप पर्सन डिटेल्स जो बटन है उस बटन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एड फैमिली यानी एड डिजीज फैमिली नंबर यानी एस डिजीज एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे ऐड कीजिए, एड बटन पे क्लिक करके उनका पर्सनल डिटेल्स दीजिए, पैन कार्ड नंबर दीजिए, यह सब कलम आप फिलअप कीजिए, उसका ऑफिशियल डिटेल्स कलम आप फिलअप कीजिए। उसके बाद आप नीचे सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सेव बटन पर क्लिक होने के बाद कुछ इस तरह सा नेम यानी लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक ही आदमी का लिस्ट यहाँ पे शो करेगा क्योंकि मैंने एक ही डिजीज एम्प्लॉय का नेम ऐड किया था। तो अगर आप एक दो तीन इस तरह ऐड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा नेम यहाँ पे लिस्ट शो करेगा। तो जिनका आप फॉर्म एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट तरफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स से एडिट यहाँ पे आ रहा है, तो इस बटन पर आप क्लिक कीजिए, आप फॉर्म एडिट कर सकते हो। तो फैमिली पेंशन का जो फॉर्म है डिजीज एम्प्लॉय का डिटेल्स है वही फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे
उनका नाम रहेगा। जो जो कलम बाकी है वही आप लोग यहाँ पे फिलअप कीजिएगा अच्छी तरह से, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, सब कुछ देने के बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद और एक फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, वही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। यानी अगर आप अनमेरिड डॉटर का फंक्शन का नेम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को फैमिली डिटेल्स कलम अच्छी तरह से फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी फैमिली मेम्बर है सबका नेम ऐड कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ स्पाउस का नेम ऐड करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप स्पाउस का भी नेम ऐड कीजिए, सॉन्स डॉटर सबका नेम ऐड कीजिए वन बाई वन। यहाँ पे मैरिज स्टेटस या पे यानी रिलेशन क्या दीजिए आप, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, डॉटर अनमेरिड, आप सिस्टर अनमेरिड दे सकते हो, या डायरेक्ट अगर डॉटर अनमेरिड तो आप डॉटर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैरिज स्टेटस आप सिलेक्ट कीजिएगा अनमेरिड, ओके अनमेरिड आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अनमेरिड सिलेक्ट होने के बाद आप रिमार्क्स इफ़ एनी अगर कोई भी रिमार्क्स है तो आप रिमार्क्स दे सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड जरूर कीजिए। जो भी फैमिली मेम्बर का नेम ऐड करेंगे सबका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग फ़ोटो ऐड नहीं करते, लेकिन ऐड करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। उसके बाद ऐड फैमिली मेम्बर बटन पर क्लिक कीजिए। ऐड फैमिली मेम्बर बटन पर क्लिक करने के बाद बाकी जो बचा हुआ फैमिली मेंबर है जैसे कि सोन, बाकी अदर्स डॉटर्स या पेरेंट्स जो भी है उनका भी नेम आप यहां पे ऐड कीजिए, उनका एड्रेस कलम आप फिलअप कीजिए, पूरा डिटेल्स आप फिलअप कीजिए। उसके बाद ऐड फैमिली मेंबर बटन पे क्लिक कीजिए। ओके इसके बाद जितना फैमिली मेंबर आपने ऐड किया है सबका नेम यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मेरा एक ही नेम शो करेगा क्योंकि मैंने एक ही ऐड किया था, तो यहाँ पे सबका नेम यहाँ पे शो करेगा, रिलेशन भी यहाँ पे नेम शो करेगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके मैरिड या वाइफ या डॉटर जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म वन, वही फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन फॉर्म वन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप नॉमिनी डिटेल्स आप फिलअप कीजिएगा, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ नॉमिनी, यहाँ से आप लोगों को अनमेरिड डॉटर का नेम सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि सिलेक्ट बटन पे क्लिक होने के बाद जितना भी फैमिली मेंबर आपने ऐड किया था सबका नेम यहाँ पे शो करेगा, तो जो अनमेरिड फैमिली डॉटर है उनका नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट जब भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे नॉमिनी नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नॉमिनेशन डिटेल्स पे उनका नेम शो करेगा जब भी आप सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद नॉमिनी फोर आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद परसेंटेज आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद कॉन्सिस्टेंसी आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। जब भी आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नेम यहाँ पे शो करे, देखिए मेरा यहाँ पे नॉमिनेशन नेम यहाँ पे शो करे, कुछ इस तरह से शो करे, बाकी बचा हुआ जो अदर फैमिली मेम्बर है सबका नेम नीचे शो करेगा। ओके इसके बाद आपको और एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप ध्यान से वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। उसके बाद आप इन सर्विस डेट, उसके बाद फिल फॉर्म 14 आप 14 बटन पे आप क्लिक कीजिए। फिल 14 बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिनका नेम यानी डिजीज एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे शो करेगा आप चेक कीजिए। उसके बाद राइट तरफ देखिए फॉर्म 14 यहाँ पे एडिट बटन दिखाई, एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कलम बाकी है वही आप फिलअप कीजिए, जैसे कि डिटेल्स ऑफ क्लाइमेंट का नेम यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा। अगर आप फैमिली पेंशन यानी नॉमिनेशन अनमेरिड डॉटर का नेम सिलेक्शन किया है तो यहाँ पे नेम लिखा रहेगा उनका, उसके बाद उनका पैन कार्ड नंबर आप सिलेक्ट किए यानी टाइप कीजिएगा क्लेमेंट का। ओके उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आप फिलअप कीजिएगा, जो जो कलम बाकी है सब कुछ आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पे दीजिए, उसके बाद आप नीचे सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि बैंक डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद चेकलिस्ट बटन पे क्लिक करके आप चेकलिस्ट करना पड़ेगा। जितना भी फॉर्म आपने फिलअप किया है सब कुछ आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट बटन, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बटन यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आप चेक कीजिएगा आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड किया है या नहीं। ऐड नहीं किया तो नो सिलेक्ट कीजिएगा, अगर ऐड किया तो यस सिलेक्ट कीजिएगा। जो जो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन का आंसर आप
या फिर येस और नो दीजिएगा। ओके, इस तरह आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप सही बेस डाप बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद जिस तरह फैमिली फंक्शन का फॉर्म फिलअप किया जाता है, सेम उसी तरह आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा फैमिली फंक्शन का। सेम उसी तरह आप लोगों को फैमिली डिटेल्स कलम फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग फॉर्म नंबर 18 फिलअप का फिल फॉर्म नंबर 18 फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट है सेंड टू एजी पे आप सेंड कीजिएगा। एंड इसके बाद व्यू फॉर्म बटन पे क्लिक करके आप अपना जो फाइनल फॉर्म है वही फॉर्म आप डाउनलोड कीजिएगा, सेव करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।